मेरा नाम है अंकित साहू और आप लोगों का वेलकम है मेरे YouTube चैनल में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं ई कॉमर्स एक्सपोर्ट, बल्क एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की ट्रेनिंग के लिए तो आप मेरी वेबसाइट ankitsahu.com विजिट कर सकते हैं। नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिटेल सिलेबस के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नॉर्मली हम लोगों की जो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हो रही हैं वो जूम के सॉफ्टवेयर के थ्रू होती हैं। आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं और इस ट्रेनिंग का बेनिफिट ले सकते हैं। तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ईईएफसी अकाउंट के ऊपर। ईईएफसी अकाउंट होता है एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट। तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये आपको क्यों ओपन करना है, तो आइए मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। देखिए बेसिकली क्या होता है, जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो फॉरेन करेंसी आपके पास आती है। लेट सपोज अगर आप कुछ एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं तो जो बैंक है आपसे वो आपसे फॉरेक्स चार्जेस चार्ज करता है। यूएसडी टू आईएनआर और आईएनआर टू यूएसडी आपको वो बिल करता है। सो हो सकता है आपके बैंक के चार्जेस है 2%, 1%, डिपेंड करता है अलग अलग बैंक पे, तो वो 2% आपको चार्ज होगा। तो अगर मैं इंपोर्ट की बात करूं या एक्सपोर्ट की बात करूं, तो अगर आपने एक्सपोर्ट किया है और आपके पास 1 लाख रुपीज आ रहा है, अभी मैं रुपीज में बात कर रहा हूं कैलकुलेशन इजी करने के लिए, सो आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपीज आ रहा है और आपका बैंक जो है वो आपसे 2% कन्वर्जन चार्ज बिल कर रहा है आपको, तो 1 लाख रुपीज का हो जाएगा 2% 2000 रुपीज। और सेम आप इंपोर्ट करते हैं और आप यहां से 1 लाख रुपीज का कुछ परचेस करते हैं तो वहां पे अगेन फिर से 2% आपको चार्ज लगेगा, तो 2% फिर से हो जाएगा 2000 रुपये। तो टोटल यहाँ पे बैंक्स ने आपसे चार्ज किया 4000 रुपीज़। सो इस पूरे ट्रांजेक्शन में आपके बैंक ने आपसे 4000 रुपीज़ चार्ज किए। सो ये जो अमाउंट है, जो कन्वर्जन चार्ज आपको बिल हुआ है, इसको आप सेव कर सकते हैं। अगर आपका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दोनों होता है और काफ़ी फ्रिक्वेंटली होता है, सो आप ईईएफसी अकाउंट खोल सकते हैं। इस अकाउंट में क्या होगा कि जो पेमेंट, लेट सपोज आज मैंने एक्सपोर्ट किया और पेमेंट मेरे बैंक अकाउंट में आई, सो उस अमाउंट को वो जिस भी करेंसी में आई है, फॉर एग्जांपल यूएसडी में आई है, तो यूएसडी को मैं होल्ड कर सकता हूँ नेक्स्ट मंथ की लास्ट डेट को। तो लेट सपोज मेरे पास अक्टूबर के मिड में पेमेंट आई है, तो मैं नवंबर की लास्ट डेट 30th से पहले तो 30th नवंबर तक मैं उसको यूएसडी में होल्ड कर सकता हूँ। और अगर मुझे आगे इम्पोर्ट करना है तो उसको मैं एज अ यूएसडी यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो कन्वर्जन है वो आईएनआर टू यूएसडी और यूएसडी टू आईएनआर वो पूरी तरीके से सेव हो जाएगा। तो इस तरह से मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो ये ईईएफसी फैसिलिटी जो होती है आपका, जहाँ पे भी एडी बैंक है, आपका जो भी करंट अकाउंट है, वो बैंक ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आपको जस्ट उनको इन्फॉर्म करना होता है और ईईएफसी वो आपका अकाउंट ओपन कर देते हैं और फिर आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं और फॉरेन करेंसी में सेव कर सकते हैं। एंड बाई डिफ़ॉल्ट भी ये फैसिलिटी रहती है बैंक्स में, आप बैंक से एक बार चेक करिए, वो आपको सारे इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं और अननेसेसरी आपका जो पैसा है उसको आप सेव कर सकते हैं। इसमें एक एडिशनल बेनिफिट भी ये होता है कि अगर लेट सपोज आप इंपोर्ट नहीं कर रहे हो और फॉरेन करेंसी आपके पास आई हुई है, आपने कुछ एक्सपोर्ट किया था और रेमिटेंस आपके पास आया हुआ है, तो और आज जो डॉलर का रेट चल रहा है वो काफ़ी इंडियन रूपी के अगेंस्ट काफ़ी कम है, सो मैं 30 डेज तक वेट कर सकता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट मंथ का 30th डेट तक का टाइम होता है मेरे पास। तो जिस दिन रेट बढ़ेगा, जहाँ पे मुझे लगेगा कि रेट बढ़ने वाला है, तो जब रेट बढ़ेगा मैं तब उसको कन्वर्ट कराऊंगा, तो मेरे पास ज़्यादा INR मेरे बैंक में ट्रांसफ़र होके आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और नॉर्मली जो मेन बेनिफिट है वो तो यही है कि आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं उसी करेंसी में। एक बार आपको बैंक से चेक करना पड़ेगा, ये करेंसी वाइज अलग अलग होते हैं, तो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा जिस करेंसी में आई है उसी करेंसी में आप होल्ड कर सकते हैं और फिर उसी में आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप बैंक से डिटेल्स ले लीजिएगा, मैंने यहाँ पे आपको बेसिक कंसेप्ट बता दिया। तो चलो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये वीडियो यहाँ क्लोज करते हैं। ओके, बाय बाय।